जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए आदरणीय माननीय प्रेसिडेंट डेवलपमेंट ISCL इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। गहरा भाव है और स्वागत की निभावना पर संप्री के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का किरण हवाला पर्यावरण संरक्षण का एक अनुपण करेगा और ये ताज होटल की अनुकृति से ताज होटल का दीप प्रज्वलित कर आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। दिया ये है, ये दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का और झारखंड सरकार के बीच 20 पर हस्ताक्षरों की करिमामयी उपस्थिति से हम आह्लादित हैं एवं आवास विभाग आदरणीय श्री अल्बराज कमल सर उपस्थित, टाटा स्टील के वीपी कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के हमारे झारखंड उपस्थित सभी एरिया माना जाता है, वहाँ होटल्स की संख्या इतना फास्ट आता है, एक डेवलपमेंट के साथ इस तरह का ताज होटल खुल गया है तो बट टुडे वी आर साइनिंग ए लीज डॉक्यूमेंट थैंक्स टू ऑनरेबल। ऐतिहासिक पल हम सब के लिए जिस हेतु हम और आप आज यहाँ हैं, इस हेतु मैं सादर आमंत्रण दे रही हूँ सचिव नगर रनसर को। ये ऐतिहासिक पल है और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, हम गवाह और साक्षी बन रहे हैं। सभी लोग इन अविस्मरणीय पलों को कैमरे में कैद करना चाहते हैं। जो पॉजिटिव अप्रोच चलता जा रहा है झारखंड, और बहुत बड़ा दिन हम सबके लिए। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूं सचिव महोदय से और सीनियर पलों को जोरदार तालियां होनी चाहिए। और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, मंत्री जी का आभार है, धन्यवाद सर। के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक है जिसकी संचालन और वाणिज्यिक उपस्थिति विश्व भर में है। केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। हमने इन वर्षों में विकसित होते झारखंड को देखा है, समृद्ध सुंदर सर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। काफी दिनों से इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रयासरत था, एक एक कदम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए वो सभी चीजों का हमने आपको अवगत भी कराया अलग अलग माध्यमों से। आज एक कदम और बढ़े हैं कि यहां पर एक लग्जरी होटल्स हो, उसके लिए इकरारनामा आज हम लोगों ने किया है। आज ये सुखद अनुभव है, मुझे लगता है ये सुखद अनुभव और सुखद होगा जब यहां ये एक ताज समूह का एक भव्य होटल बनकर के तैयार होगा और जनता को समर्पित होगा। आज ही मैंने अफ्रीका में फंसे हुए 25-30 बच्चों को रेस्क्यू करा करके झारखंड वापस लाया है। और सकुशल उनको घर पहुंचाया। मुझे लगता है अगर हम टाटा समूह का जन्म देखें तो इसका जन्म झारखंड से ही है, तो झारखंड से जन्म है तो हम झारखंडी होने के नाते एक अधिकार के साथ समूह से कह भी सकते हैं और मांग भी सकते हैं कि यहां के लोगों के प्राथमिकता को नजर पे रखें। यहां के लोग बहुत सरल और बहुत सीधे भी हैं। आज देश को बढ़ाने में टाटा समूह का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर टाटा समूह का योगदान है तो झारखंड का भी योगदान कम नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी कुछ ऐसी व्यवस्था हम खड़ा करें जहां पर हम लोग मिलजुल कर राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जी का एक संदेश हमेशा हम सबके सामने आता रहता है, मंजिल नहीं मिलती। यकीनन ताज ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हुए